हाई क्राइम ब्रांच ने सांगली जिले में 245 करोड़ रुपए के अधिक की 126.141 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद मामले की गहन छानबीन शुरू की है। संयुक्त पुलिस आयुक्त लक्ष्मी गौतम के अनुसार मुंबई क्राइम ब्रांच क्रमांक 7 की टीम ने फरवरी में कुर्ला इलाके से महिला ड्रग्स तस्कर परवीन बानो गुलाब शेख को 641 ग्राम एमडी के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान प्रवीण बानो ने बताया कि मीरा रोड इलाके से कोई उसे ड्रग्स सप्लाई कर रहा था। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने मीरा रोड से हम्माद आसिफ शेख उर्फ डेबस को 6 करोड़ रुपए कीमत की 3 किलो एमडी के साथ पकड़ा गया था। इन तस्करों ने बताया कि ड्रग्स की सप्लाई गुजरात से की जा रही थी। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने सूरत से इजाज अली, इमदाद अली अंसारी और आदिल इम्तियाज बोहरा को गिरफ्तार किया था। इनसे पूछताछ करने के बाद सांगली के महाकाल इरली में एमडी ड्रग्स बनाने के कारखाने का पता चल सका। इसके बाद पुलिस ने सांगली के कारखाने पर छापा मार कर वहाँ 245 करोड़ के अधिक की 126.141 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की। इस मामले में पुलिस ने प्रवीण उर्फ नागेश रामचंद्र शिंदे, वासुदेव लक्ष्मण जाधव, प्रसाद मोहिते, विकास महादेव मालमे, अविनाश महादेव माली, लक्ष्मण बालू शिंदे को गिरफ्तार किया है। मुंबई से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट। 16 फरवरी को क्राइम ब्रांच की यूनिट 7 ने एक लेडी और एक मेल को 3 केजी 641 ग्राम मेफेड्रोन के साथ कस्टडी में लिया था। इसमें एक ऑफेंस दाखिल किया गया था। इसी ऑफेंस का फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच की टीम कर रही थी। इसी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के दरमियान सांगली डिस्ट्रिक्ट में कवटे महाकाल तहसील के यहाँ पे इरली करके गांव है, इस गांव के एरिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पिन पॉइंट करने में, वो डिस्ट्रॉय करने में और वहाँ से 122 केजी मेफेड्रॉन सीज करने में क्राइम ब्रांच की टीम सक्सेसफुल हुई है। इस पूरी कार्रवाई में 6 एक्यूज को हम अरेस्ट कर चुके हैं। टोटल एक्यूज की संख्या इस केस में अभी 10 हो चुकी है और अब तक इस केस का जो टोटल सीजर है वो 252 करोड़ का हो चुका है और इस केस का फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। ओनरशिप जिसकी थी उसको भी पकड़ा गया है। इन 6 एक्यूज में उसका भी नाम है और जो मेन मैन्युफैक्चरर था, जो बनाता था, जिसको जिसके पास टेक्निकल नो हाउ था पूरा, उसको भी हम अरेस्ट कर चुके हैं। इतनी बड़ी तस्करी आप कह रहे हैं, तो मुंबई में इनके टारगेट ऑडियंस क्या होते थे, स्कूल होते थे, कॉलेज होते थे या ये जो मेफेड्रॉन मैन्युफैक्चर किया जाता था वो क्रिस्टल फॉर्म में था, एकदम वाइट कलर का और क्रिस्टल फॉर्म में था, जिसको नारकोटिक्स की लोकल लैंग्वेज में लैविश करके बोला जाता है, इसको हाई क्वालिटी मेफेड्रॉन समझा जाता है। वो बहुत ही हायर रेट से लोकल मार्केट में बेचा जाता था और ये ग्रुप की अपनी एक डिस्ट्रीब्यूशन चेन है। सांगली में मैन्युफैक्चर करने के बाद अलग लोगों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी कि डिस्क्रीटली ये पूरा जो कंसाइनमेंट है मुंबई तक पहुंचाते थे और यहाँ से अपने डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से ये लोकली सर्कुलेट होता था। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में ये रिवील हो चुका है कि पिछले 7 महीने से ये फैक्ट्री चल रही थी। इसकी जानकारी आप लोगों को कब मिली? 16 फेब को ऑफेंस दाखिल होने के बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन में, यानी कि एक्यूज का इंट्रोगेशन और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे हम ये पिन पॉइंट करने में सक्सेसफुल हुए। महिला जो है वो कुर्ला एरिया की रहने वाली है, वो एक ड्रग पेडलर ही है। जो हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये बड़े पैमाने पे ड्रग ट्रैफिकिंग कर रही है, तो डिटेल्ड वर्कआउट के बाद ही वो जो एक्शन है 3 केजी सीजर का वो किया गया। आपने टारगेट ऑडियंस को एक बार और किया, कौन होते थे मुंबई में, क्या कॉलेजेस के टारगेट
टारगेट करते थे या हाई सोसाइटीज टारगेट किया करते थे या सेलिब्रिटीज करते थे, क्योंकि इतनी भारी क्वांटिटी में, जिस तरह से आपने कहा कि क्वालिटी जो है काफी अच्छे क्वालिटी की होती थी जो ड्रेस है, तो किन लोगों को ये अपना ऑडियंस मानते थे? ये जो मैन्युफैक्चरिंग का ग्रुप हमने पकड़ा है, उनका टारगेट यही था कि हाई क्वालिटी मेफेड्रॉन प्रोड्यूस करना और उस मेफेड्रॉन को हायर रेट्स पे बेचना। तो जाहिर है कि इसमें अच्छी इकोनॉमिकल कंडीशन वाले ही लोग ये परचेस करते थे। अभी तक कॉलेजेस या फिर आपने जो दूसरा एंगल पूछा है वो इन्वेस्टिगेशन में रिवील नहीं हो रहा हुआ है, लेकिन हम उसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं।